ये बात सच है कि अगर आपको रियल इंडिया देखना है तो गांव जरूर देखने चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर जो गांव के लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद के लिए इतने आगे रहते हैं कि शादी होती है किसी लड़की की या किसी लड़के की तो काम करने के लिए वो बिल्कुल भी झिझक नहीं करते। वो सब पूरे गांव में मिलजुल के रहते हैं, हर किसी को उनका नाम पता होता है, हर किसी को मतलब जानते हुए मिलते हैं, चाहे वो एक गांव के दूसरे कोने में ही क्यों ना रहता हो, उसका नाम भी वो उसे पता हुआ पता होता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये अपना वो धर्म समझते हैं। खैर, इन सब के बावजूद गांव में लड़ाई भी होती है, ये बात भी इनकार नहीं कर सकते। वैसे तो ये बात सच्ची है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो तो खड़कते ही हैं। अगर अब ऐसा कोई इंसान जिसने आज तक तो कभी गांव नहीं देखा हो वो गांव में चला जाए तो जाहिर सी बात है कि उसे गांव पसंद नहीं आने वाला, वो इरिटेट होने वाला है उन चीज़ों से। और वैसे भी शहर के जो लोग होते हैं उन्हें अजीबोगरीब सोच बनाई हुई होती है कि हाँ ये होता है गांव में। अगर कोई ऐसा इंसान अगर गांव में जाता है तो उसे गांव कैसे रास आ सकता है, क्योंकि उसने देखी होती है भीड़ शहरों में, और गांव में जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, उसे आदत पड़ चुकी होती है पोल्यूशन की, लेकिन गांव में मिलती उसे शुद्ध हवा जो उसे इरिटेट करती है। गांव में जहाँ पर शांति का माहौल है उसे वो मिलता है, और जहाँ उसने शहर में देखी होती है भीड़ एकदम दौड़ वाली जिंदगी, भागा दौड़ की एकदम जिंदगी, उसे वो शांति का माहौल कहाँ रास आने वाला था। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में पंचायत वेब सीरीज़ की, जिसे डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने, जिसके अंदर कास्ट है जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन रॉय। अगर इसकी कहानी की बात करूँ तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लौंडा यानी बेरोजगार अभिषेक त्रिपाठी, जिसे प्ले किया जितेंद्र कुमार ने, तो वो एक उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, कोई वो फॉर्म भर देता है एग्ज़ाम अपनी जब उसका कॉलेज ख़त्म होता है, तो एक ऐसे गांव में उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव में, जो बहुत दूर है, रिमोट एरिया है वो वहाँ पे, जिसको एक उम्मीद होती है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, बहुत बड़ा क्या बहुत बड़ी जॉब चाहिए होती है उसे, कोई रियल इंडिया नहीं देखना, उसे अपनी एक ऐसी जॉब चाहिए होती है रात को वो पार्टी कर सके, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट फोटो खींच के दिखा सके कि हाँ मैं चिल कर रहा हूँ। तो ऐसी दिखावटी लाइफ के लिए अब उसे वो छोड़, वो जो उसकी उम्मीद होती है अब वो पानी फिर रहा है, अब ऐसी जगह उसे जाना है जहाँ पर इन सब चीज़ों से वो दूर है। अब वो इसे अपनाता भी इसलिए क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, यानी जॉबलेस होने से तो बेटर, उसका दोस्त भी उसे समझाता है कि जॉबलेस होने से तो बेटर यही है कि यही जॉब पकड़ ले। तो ग्राम सचिव के रूप में वो फुलेरा में उसकी पोस्टिंग होती है। अब वो यहाँ से निकलना चाहता है तो वो शुरू करता है कैट की प्रिपरेशन, ताकि एमबीए के कॉलेज में उसे अच्छा खासे एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल सके और वो लाखों का पैकेज उठा सके। लेकिन जैसे कि सीरीज़ में दिखाया गया है कि क्रेज़ी गांव के लोग यानी पागल गांव के लोग उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिफ़िकल्ट उसे लाइफ लग रही थी, क्योंकि एक शहर का एक इंसान अगर गाँव में जाता है तो उसे वो डिफ़िकल्ट लाइफ ही लगती है, कि वो एक डिफ़िकल्ट लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, लाइट नहीं है वहाँ पर, तो लाइट नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें उसको इरिटेट कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए अपनी प्रिपरेशन तैयार रखता है। वैसे इस सीरीज़ की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत मुझे बात लगी इसका रियलिस्टिक रखना, बहुत सारी चीज़ें खूबसूरती के साथ इसमें दिखाई गई हैं। साथ ही ये वेब सीरीज़ सोशल मैसेज भी देती है, जैसे कि महिलाओं के लिए सरपंच के जब चुनाव होते हैं तो उनके लिए एक आरक्षित सीट होती है जिनके ऊपर चुनाव सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लड़ती हैं, लेकिन पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं की उन सीटों का फ़ायदा उठा के महिलाओं को तो उनका चुनाव जिता देते हैं, उन्हें सरपंच बना देते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल प्रधान बने हुए घूमते हैं, कोई महिलाओं को आगे लाकर खुश नहीं होता, उनसे काम करवा के खुश नहीं होता, वो यही कहते हैं कि इनको नहीं पता कि कैसे क्या संभालते हैं, बल्कि वो उन्हें गाइड नहीं करते। गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर रखा है कि महिलाओं के लिए सीटें जो है वो आरक्षित करके रख रखी हैं उनके लिए अलग से, लेकिन कुछ और भी उन्हें काम करना चाहिए कि उन्हें गाइड करने के लिए किसी को लाना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वो अनपढ़ होती हैं, तो वो जब चुनाव जीतती हैं तो उन्हें आगे लाने के लिए तो उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेरे हिसाब से तो उनको गाइडेंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर किसी को लाना चाहिए, या फिर उनके जो रिलेटिव है वो इनकी मदद करें आगे लाने में। लेकिन देखिए, जब तक इनको आगे नहीं लाया जाएगा, जब से इनसे इनसे खुद काम नहीं कराया जाएगा, तब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गांव की महिला भी अच्छा काम कर सकती है इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़ की इसमें जैसे दो बच्चों को लेके एक वो स्लोगन लिखा गया था, दो बच्चे मीठी खीर बाकी सारे बवासीर, ऐसे कुछ करके।
जो यानी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए स्लोगन लिखाया ताकि गांव के लोगों के ऊपर ऐसी दिमागी चीज़ों पे हिट करे। तो मेरे ओपिनियन में अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो उसके लिए साक्षरता बहुत बड़ा रोल निभाएगी। पढ़ाई लिखाई है जो लोगों को समझा सकती है कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ पढ़े लिखे गंवार गधे इन सब चीज़ों का वो समझते तक नहीं है। खैर, बैक टू द पॉइंट, अगर हम इस सीरीज़ के कुल टोटल रिव्यू की बात करें तो वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, हंसी मजाक भी बहुत अच्छा है। ये वेब सीरीज़ आपको पूरी तरह से आपको बांध कर रखने वाली है, पहले एपिसोड से इसके आखिरी एपिसोड तक। मे बी शायद इसका सेकेंड सीजन आए, मे बी, मुझे नहीं पता, शायद आ भी सकता है। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 star। अगर आप लोगों ने वेब सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।